senior knights of the Patrick Peter Party Kanya. From the Assembly Hill Song. हाल में मौजूद पार्सल पीपल्स पार्टी के कायदीन अगर इजाजत दें तो मैं वरना मैं सबका अगर नाम लूंगा तो काफी टाइम होगा. डिस्ट्रिक्ट सदूस पीवाईओ पीएसएफ अलाइड डेक्स के सारे दोस्तों हमारे दोस्त भी हैं कॉन्फ्रेंस भी हैं और ये किसी भी पब्लिक फंक्शन में मुंतखब होने के बाद पहली बार तशरीफ लाए हैं. हमारे यूथ के पंजाब के प्रेसिडेंट तशरीफ ले आए हैं जोहेब पाक साहब. बाकी जितने भी दोस्त मैं सबसे पहले आज के इस सेमिनार के मुंतजिमीन को अब जरा ये स्टेज वाले भी थोड़ा सा मेहरबानी करें कि पहले वो गर्द के साथ मिसाइल होते हैं. मैं मशहूर हूं कि आज आपने एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम का इंतजाम किया है. आज के दिन के हवाले से कायदे आजम कायदे अवाम और अकलियतें मुझे वैसे थोड़ा सा इतराज है आपके प्रोग्राम के टॉपिक पर क्योंकि मैं जाती तौर पर किसी को मजहब की बुनियाद पर अकलियत तसव्वुर नहीं करता. आप गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हो सकते हैं और आप उतने ही बड़े पाकिस्तानी हैं जितना कोई दूसरा. सो जो पहली स्पीच थी अगर आप उसको देखें 11 अगस्त वाली तकरीर को देखें तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सारी बुनियाद पाकिस्तान के आईन की पाकिस्तान का जो आगे का ढांचा था उसकी बुनियाद तो उसमें होनी चाहिए लेकिन बदकिस्मती के पाकिस्तान बनने के बाद उसकी बुनियाद तो उसमें ना रखी जा सकी. और जिस तरह से फिर चीजों को लेकर आगे चला गया करारदादे मकासद आई जिस दिन चूंकि कायदे आजम के पहले जो नौ मिनिस्टर थे वो भी मंडल साहब थे और जिस दिन करारदादे मकासद आई उसी दिन मंडल साहब ने इस्तीफा दे दिया. ये कलमिया था यहां से बुनियाद थी कि जो आज इस वक्त तक अभी तक जो लड़ाई जा रही है. लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद 73 के आयन की बुनियाद रखी और उससे पहले जब 72 के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसके अंदर भी ये सारी बुनियाद रखी गई थी कि हमने अकलीतों को हकूक देने पाकिस्तान का झंडा तो शुरू ही सफेद रंग से होता है जो अकलीतों की नुमाइंदगी करता है. और फिर भुट्टो साहब ने अपने आइन के अंदर जहां पे इंसानी हकूक की बात की जहां पे पार्लिमानी कानून आइन की बात की जहां पे वफाकी आइन की बात की वहां पे इन मजहबी अकलीतों को जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी है उनको भी मुकम्मल हकूक दिए. लेकिन मैं ये समझता हूं अच्छी तौर पर कि मोहतरमा बेंजीर भुट्टो ज्यादा बड़ी कीमत थी मोहतरमा बेंजीर भुट्टो ज्यादा यकीन रखती थी अकलीतों के हकूक पे किसी भी पाकिस्तान के तारीख के तमाम लीडरों से ज्यादा ज्यादा यकीन रखती थी. और फिर 18वीं तकलीम आई उसके अंदर जो सैनेट के अंदर नुमाइंदगी नहीं थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैनेट के अंदर
सीटों गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए रखी गई वो 18वीं तरमीम में सदन साहब के तौर पर रखी गई और 5 की सपोर्ट का भी रखा गया। उस बुनियाद पर अगर आज देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ बातें की है, जाती तौर पर कुर्बानियां भी दी है। सलमान तासीर शहीद को आज से दिन हम कैसे भूल सकते कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। सुनील भट्टी शहीद को हम कैसे भूल सकते कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। और इन लोगों को कैसे भूल सकते जिन्होंने अपनी आवाज से हक की आवाज में लबैक कहते हुए वो कुर्बानियां दी और गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के हकूक के लिए शहादतें कबूल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक ये सफर जारी रखे हुए है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सफर अभी तक जारी रखे हुए है। कौन सी जमात है जिसमें बराह रास्त टिकट दिए हो मुसलमानों की अक्सरियत वाले हल्के से? मैं आपको मिसाल देता हूं, मीरपुर खास शहर का जो हल्का है वो मुस्लिम अक्सरियत की हल्का है, एमपीएम वो सीट जीतती रही है। लेकिन इस बार 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हरी राम को वहां पर टिकट देकर बड़ा रास्त एमपीएम इसी तरह से थर के अंदर पाकिस्तान की तारीख का पहला एमएलए महेश सलानी, डॉक्टर महेश सलानी, वो भी थर के अंदर साबिक चीफ मिनिस्टर अरबाब रहीम के भाई को खड़ा कर रहा है और वो भी बड़ा हिलास जीता है। डॉक्टर महेश सलानी थर से बड़ा हिलास सिलेक्शन जीत के वहां पर भी साबिक चीफ मिनिस्टर के भाई को हरा कर रहा है। यह भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। लेकिन आज कुछ बातें कहना चाहता हूं, यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है वो अभी और ज्यादा गहरी हो गई है और मुझे यह कहने में कोई याद नहीं है, मुझे यह कहने में कोई मजाक नहीं है, मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि आज की तमाम तरक्यादत में सबसे ज्यादा अगर लिबरल है, प्रोग्रेसिव है, गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के हकूक की बात करते हैं तो वो आपका चेयरमैन नौजवान चेयरमैन बना बन फोटो सजा रही है और उससे बात करो का कोई फंक्शन होता है गैर मुस्लिमों का, वह हिंदुओं का हो, वह ईसाइयों का हो, वो सिखों का हो, वो पारसियों का हो, वो किसी और का हो, बिलावल भुट्टो वहां पे जाते हैं और वहां पे जाकर उनके साथ नजारे यकजोती करते हैं। अगर आज लाहौर में होते तो यकीनी तौर पर आपके इस फंक्शन में होते। लेकिन एक वादा करता हूं, आप सब लोग इकट्ठे हो, आपके इकट्ठे होकर बड़ा फंक्शन रखे, मैं बतौर जनरल की आपसे वादा कर रहा हूं, मैं उसमें बिलावल भुट्टो साहब को, मैं और सदर साहब और हमारी सारी टीम बिलावल भुट्टो साहब को लेकर आए। जब आप रखे, जब आप रखना चाहे, जब आप रखना चाहे, आप रखे फंक्शन, बिलावल भुट्टो साहब आएंगे और आकर खुद अपना नुकता नजर बयान करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कृष्ण कोहली को, चूंकि कोहली जात हिंदुओं में सबसे नीचे गिनी जाती है, जो अंतर के जिनको हाथ नहीं लगाते कोहली वो जात थी, वहां से कृष्ण कोहली को उठाकर सेनेट की मेंबर बना दिया। ये भी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट का हिस्सा। और आपकी कराची के साथी को आप कैसे भूल सकते हैं? हमारे दोस्त जो मोटरसाइकिल पर थे और उनके पास हैरत भरने के बाद की मुबारकबाद देने के लिए आया,
तो वो मोटरसाइकिल भी कचारे की चोरी हो गई। अल्लाह दीन को आप कैसे भूल सकते हैं? सो ऐसे लोगों को उठाकर इस पार्लियामेंट के मेंबर बनाना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फासा है। और एक दिन जब बयान दिया बिलावल भुट्टो साहब ने कि मैं तो चाहता हूं कि सदर पाकिस्तान भी गैर मुस्लिम होना चाहिए, तो एक फंक्शन में हम मौजूद थे। बिलावल भुट्टो साहब को मुजीबर खान शामी साहब ने पूछा कि यह आईन तो आपके नाना ने बनाया है, तो आप फिर ये कैसे बात कर रहे हैं? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब देते हुए कहा कि नाना भी यही चाहते थे जो मैं चाहता हूं, वो तो सिर्फ आप लोगों के प्रेशर के ऊपर और बाकी लोगों के प्रेशर के ऊपर ये सब कुछ हो गया। हम इस नुक्ता नजर को वापस पूरे जोर के साथ लेकर आए। एक बात और कहना चाहता हूं, जहां जहां पर भी आप पे कोई हमला होता है, जहां जहां पर भी आप पे कोई जुल्म होता है, वो गोजरा हो, वो कसूर हो, वो लाहौर हो, वो कोई और जगह हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आपके साथ जाकर खड़ी होती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त तक आपके साथ खड़ी रहती है जब तक वो मसला हल नहीं हो जाता। हम भी आज ही नींद दिलाते हैं पंजाब की क़यादत की तरफ से कि पंजाब में जब जब कोई मसला पैदा होगा, होना नहीं चाहिए लेकिन जब जब कोई मसला पैदा होगा, आज आज की खौफ है, इस खौफ को तोड़ना पड़ेगा। और जब तक हम इस खौफ को तोड़ते नहीं है तब तक ये मसला हल नहीं होगा। इसलिए इस खौफ को तोड़ने के लिए आप लोगों को भी किसी ऐसी पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो आपकी बात करती है, जो आपके हकूक की बात करती है, जो आपके लिए शहादतें कबूल करती है, जो आपके लिए हर जगह पे आवाज उठाती है, वो सेनेट हो, कौमी असेंबली हो, कोई और फोरम हो, तो आपके लिए आवाज उठाती है। तो आप लोगों को भी फिर वहां पर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मैं दुख के साथ बात करता हूं कि ऐसा नहीं, अभी तक ऐसा नहीं है। आप अगर हमसे कोई गलती है, पीपल्स पार्टी से गलती है, तो पीपल्स पार्टी को बताएं। लेकिन जहां पे आप गलतियां करते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बताएं। आप भी राज के साथ बैठ जाते हैं, जिसकी हुकूमत वाली हो उसकी तरफ चल पड़ते हैं। अब इसको खत्म करना पड़ेगा, खड़े होकर इनकार करना पड़ेगा कि नहीं, हुकूमत का मसला नहीं है, मसला उसूल का है, मसला कानून का है, मसला आईन का है। जो पार्टी उसूल की बात करेगी, आईन की बात करेगी, कानून की बात करेगी, आप लोगों को भी उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, आप लोगों को भी उसका साथ देना पड़ेगा। सो इसलिए आज के फंक्शन के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दीजिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आपका साथ दिया है। बाकी जो सियासी बातें हैं वो कायदा साहब और साकी साहब करेंगे। आपको उसका बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपको गेरी साहब, सहोत्रा साहब, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। इतना खूबसूरत फंक्शन है, इतनी बड़ी तादाद में खवातीन भी मौजूद है, नौजवान भी मौजूद है, और खासकर नौजवानों से कहता हूँ कि आप बिलावल भुट्टो के बाजू हैं, आप बिलावल भुट्टो के साथ चल रहे हैं। बिलावल भुट्टो का है, तो आप लोगों का मुस्तकबिल है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।